तो मैं आज फिर से पहुंच गया हूं सुबह सुबह मैठणा गांव की तरफ। यहां पर फिर से मिल चुके हैं मुझे स्कूल वाले। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, चल दिए स्कूल? ठीक। तो यहां पर से आप आज मैठणा गांव का व्यू भी देख सकते हैं। नमस्ते, ठीक ठाक चा? हाँ, ये खिता। नमस्ते, चल दिए स्कूल? हाँ, तुम बढ़िया? ओह, चल दिए साहब? हाँ, ठीक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, चल गए स्कूल? तो सुबह के अभी बज रहे हैं 7:15 और मुझे अभी स्कूल वाले बच्चे दिखाई दे रहे हैं। सब स्कूल जाने पे लगे हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह का नज़ारा स्कूल वाले बच्चों को देख के भी। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप, तो ये देखिए घास को भी सुखाने लग गए हैं, काट के ला रहे हैं लोग, और घरों में अभी घरों पे ही सुखा रहे हैं, खेतों में नहीं काट रहे हैं। तो कुछ ऐसे सुखाया जाता है घास को। बाकी आज मैं यहाँ तक आ रखा हूँ। अरे गुड़ गोबर। बाकी इधर वाले ताई जी लोग भी आजकल घर पे नहीं हैं, ये भी जा चुके हैं। ये देखो पूरा घर भी बंद, अजीब सा लग रहा है। यहाँ पर पहले खूब रौनक हुआ करती थी। बाकी आंगन में इनके काफी सारे फूल भी हो रखे हैं। नमस्ते, ठीक ठाक? चल गया स्कूल? ओह, नमस्ते 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 बाबू, नमस्ते नमस्ते। चल गई घोड़ा बोल द। यहाँ पर मुझे स्कूल के बच्चे भी नजर आ चुके हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी वाले ऊपर आ गए। हाय हेलो, चल दिए स्कूल? बढ़िया है। अब कहाँ जाते हैं स्कूल? उधर? अब यहीं पे? फिर यहीं पे आ गए? पहले वहां गए ना? टूटने पड़ गए। अच्छा, वो टूटने लग गई। चलो ठीक है। और गोलू? गुन्नू गुन्नू। तो सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए जी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम फर्स्ट क्लास है। और आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है सुबह के 9 बजे से। और आज मैं जा रहा हूँ चौबटा खाल। पहले गया था मैं सुबह मैठाणा, तो अब जा रहा हूँ मैं चौबटा खाल। तो चलिए आप सबको भी ले चलते हैं चौबटा खाल। तो बने रहेगा ब्लॉग में। मौसम का हाल भी देखेंगे आप। तो मौसम भी कुछ ऐसा हो रखा है, ये देखिए, तब देखो कैसा कैसा होता है। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं मडगल खाल के व्यू पॉइंट के सामने। ये रहा यहां पर का व्यू पॉइंट। और बाकी अभी तो मुझे काफ़ी दूर जाना है यहां पर से। पोखरा भी नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये रहा पोखरा। और बाकी जो आपको आखिरी पहाड़ी नज़र आ रही है, वहां हो गया चौबटा खाल, लास्ट वाली पहाड़ी नज़र आ रही है। तो वहीं जाना है मुझे अभी। तो लगा लो आप कितनी दूर जाता हूँ मैं। ये देखिए अभी तो काफ़ी पहाड़ी मुझे पार करके वहां तक पहुंचना है, और काफी पहाड़ी पार करके मैं आ भी गया हूं। तो चलिए मिलते हैं सीधा आगे ही। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं चौबटा खाल में, और 11 भी बज चुके हैं। घर से मैं 9 बजे निकला था, यहां मैं 11 बजे पहुंच गया हूं। तो लगभग 2 घंटे हो चुके हैं मुझे यहां आते आते। बाकी मैं काफ़ी दूर से आ गया हूँ। पहले मैंने वहाँ से दिखाया था यहाँ का नज़ारा, लेकिन अब यहाँ से दिखाता हूँ। काल मौसम भी थोड़ा बदलने लग गया है, तो थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो ये देखिए काफ़ी आगे वाली पहाड़ियों से आ चुका हूँ मैं।
नज़र भी नहीं आ रही कहाँ से मैं आया हूँ। बाकी देखिए इतनी दूर से ये रहा हमारा चौबट्टा खाल। तो चलिए अब चलते हैं, मीटिंग भी स्टार्ट हो चुकी होगी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम, कैसे हैं? नमस्ते सर। मैम लोग तो शर्माने लग गए। चलिए जी अब हम भी निकलते हैं चौबट्टा खाल मार्केट से, तो घर को निकलते हैं क्योंकि अब मौसम भी बदलने लग चुका है। इस साइड से इधर से आप देखेंगे तो फिर से मौसम पैक होने लग गया है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इससे पहले हम पहले ही निकलते हैं घर की तरफ। लोदी गांव का यहां पर का धारा भी देखेंगे आप तो काफ़ी मोटा आ रहा है यहाँ पर पानी, और ये अंदर ही अंदर पता नहीं किधर जा रहा है, सड़क पे भी नहीं आ रहा है। बाकी इधर अब टीन सेट भी लग चुका है, पहले नहीं था यहाँ पर, बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुका है। और यहाँ पर एक बैल भी देखेंगे आप तो यहाँ पर एक सांड भी लेट रखा है, छाँव में बैठ रखा है वो भी, इसकी हालत भी डाउन हो रखी है, कमज़ोर हो चुका है बहुत ज़्यादा। ये देखिए पानी पानी पी ले रहे, इस सांड की हालत बहुत ही डाउन हो रखी है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने कहीं पे बांध रखा था शायद इसे, तभी ये इसकी हालत ऐसी हो रखी है, नहीं तो आजकल के बरसात में तो इतना चारा भी हो रखा है और पानी भी है यहाँ पर, तो इसने अच्छा खासा बना रहना था, लेकिन ये बहुत कमज़ोर हो गया है, तो ये बहुत ही बूढ़ा हो चुका है ऐसा ही लग रहा है मुझे। लोग कैसे कैसे रहते हैं कि छोड़ देते हैं रे इन बेचारों को भी, इन बेजुबानों को। तो चलो अब चलते हैं हम भी। यहाँ पर आप तितलियों को भी देखेंगे तो ये देखिए एकदम पीले कलर की तितलियाँ आ रखी हैं इस नमी पे बैठने के लिए, तो पीली ही पीली तितलियाँ हैं इधर, ये देखिए। चलो ठीक है, अच्छा था। तो मैं पहुंच चुका हूं अभी लीठा गांव में, तो ये रहा लीठा गांव। और ये दीदी भी आए थे, मुझे ये मिल गए थे, ये क्या बोलते हैं
गवानी से मेरे को ये दीदी भी मिल गए, उन्हें भी ले आया मैं। और बाकी ये रहा हमारी रोनिका भाभी लोगों का घर। तो देख लो भाई, रोनिका भाभी आप बोल रहे थे कि मेरे घर को दिखाना, और सासू जी भी देखेंगे अगर इस ब्लॉग को, आपकी मम्मी जी। तो ये रहा कुछ आपका घर। तो यहीं आए थे हम कुछ साल पहले बारात में। बाकी काफ़ी बड़ा गांव है लुइठा गांव, ये देखिए पूरा ये लुइठा गांव ही है। अभी मैं आपको आगे से दिखाता हूँ कितना बड़ा गांव है लुइठा। यहाँ पर से तो थोड़े ही घर नज़र आ रहे हैं, लेकिन घर काफ़ी बड़ा है। इधर को गेट लगा है, बाकी आप ये देख सकते हैं। इधर को छोटे मोटे रौले भी आ रहे हैं, रौले बोले तो नदी के धारे छोटे छोटे, उनका भी काफ़ी बहाव हो रखा है, आवाज़ काफ़ी हो रही है, ये देखिए। तो यहाँ पर से पूरा लुइठा गांव नज़र आ रहा है, ये देखिए काफ़ी बड़ा गांव है हमारी रोनिका भाभी लोगों का। तो ये रहा उनका मायका। इधर भी है काफ़ी सारे घर नीचे को, बाकी ऊपर को है पूरा बड़ा गाँव, ये देखिए। ये रहा लुइठा गांव। तो चलिए अब हम भी निकलते हैं आगे को। तो मैं अब पहुंच चुका हूं बेदीखाल में। दिन के बज रहे हैं 3 और बेदीखाल में एकदम सन्नाटा सा छा रखा है, आपको दिखाते हैं। ये रहा कुछ व्यू बेदीखाल का। बढ़िया जी, तुम ठीक ठाक? बस बढ़िया, आगे भेजिए। तो फाइनली मैं भी घर पे पहुंच चुका हूं, 3:30 बज चुके हैं और मम्मी लोग उस वाले घर पे सो रखे हैं। यहाँ ताले लगे हैं, बाकी धूप भी देखोगे आप, धूप लगी है उधर साइड से। तो मौसम एकदम बदल चुका था चपटा खाल की तरफ को, लेकिन इधर एकदम अच्छा मौसम हो रखा है। तो कुछ ऐसा हो गया है मंडवे की लवाई करने के बाद, ये नलो, बाकी कुछ कुछ बालियाँ हैं ये हरी हरी सी, बाकी तो हमने सारे मंडवे की लवाई कर दी है मम्मी ने। तो आज सुबह भी मम्मी ने लवाई करी मंडवे की, आज पूरा फिनिश हो चुका है हमारी लवाई। बाकी अब जा रहे हैं हम घास के लिए, पहले मैं आ गया हूँ, अभी मम्मी भी आएगी तो अब हम घास काटेंगे, क्योंकि आज हमने सुबह से घास नहीं काटा है। मैं भी चौपटा खाल चला गया था और मेरी मम्मी भी मंडवे की लवाई करने लग गई थी, तो इसलिए तो अब हम काटेंगे घास, 2-2 पूरी घास लाएँगे। अभी मैं आया हूँ, अभी मम्मी भी आने वाली है, मम्मी कुछ काम कर रही है। तो मैं घास लेके भी आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने धुआं भी लगा दिया है इनके लिए, यहाँ के दरवाजे खोल दिए हैं ताकि हवा चले जाए थोड़ी देर अंदर। बाकी अभी मम्मी नहीं आई, मम्मी घास ही काट रही है। मौसम भी कुछ ऐसा हो गया है, क्या पता बारिश हो, इस साइड से तो एकदम ख़तरनाक वाला मौसम हो चुका है।